हाँ बेटा क्या कह रहा है अ स्मॉल बॉडी इज लॉन्च देन एन इनक्लाइंड प्लेन सेट एट एंगल एल्फा लो अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल वी नॉट से फेंक दिया फाइंड द कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ एसेंट इज टू टाइम्स लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट जब ये ऊपर गया तो जाने में टाइम लगा टी वन एक्सलेशन होगा नीचे की तरफ ए वन ए वन को लिख देना जी साइन थीटा निकाल के देखना जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा आएगा म्यू के जी कॉस थीटा चलेगा बेटा हाँ. तो हम कहेंगे क्या कह रहे हो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ वी नॉट जीरो माइनस ए वन टी वन हाँ या ना तो t1 हो गया v0 नॉट बाय ए और फिर लगाओ जीरो स्क्वेर इज v0 नॉट स्क्वेयर प्लस टू माइनस ए वन इंटू एक्स सही है इससे x निकल जाएगा ठीक है यहां तक आ, था था। अब ये वापस नीचे गिरेगा जब ये वापस आएगा तो इस केस में फ्रिक्शन नीचे आएगा ऊपर लगेगा अभी जब ये ऊपर जा रहा था तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था तो अब ये नीचे एक्सेलरेट करेगा तो ये ए टू से करेगा ए टू की वैल्यू कितनी आएगी ए टू आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा अब नीचे आने के टाइम में क्या कहोगे एक्स इज इक्वल टू जीरो टी टू प्लस हाफ ए टू इंटू टी टू स्क्वे टी टू इज मोर टी टू हो गया टाइम यहां से ऊपर से नीचे आने का टी टू इज मोर देन टी वन अब एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी पहले तो एक्स की वैल्यू लिख देना वी नॉट द रूट इज टी टू चलेगा तो टी टू आ गया by root ना एंड टी टू इज इफ द टाइम ऑफ एसेंट इज टू टाइम्स लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट इज

भैया कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा होगा पक्का हंड्रेड परसेंट है ऐसे hmm. कुछ पूछा है ना यहाँ hmm. पे जाना चेक कर लेना म्यू की वैल्यू यही आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है मेरे को तो यही समझ नहीं आ कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं क्या स्टार्ट ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्लास में कराया हुआ यार हां हां भाई मतलब मुझे पढ़ के समझ नहीं आता मतलब पढ़ के ये पल्ले नहीं पड़ रहा था बोल क्या रहा है बोल क्या रहा है <laughs> आसान चीज बोल रहा था जबकि